नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रोस्टेट की बीमारी जिसे प्रोस्टेटाइटिस भी कहा जाता है या बेनाइन प्रोस्टेटोमेगैली भी बोला जाता है या बेनाइन प्रोस्टेट कैंसर भी बोला जाता है या प्रोस्टेट की बीमारी या प्रोस्टेट की सूजन भी कहा जाता है या फॉरेस्ट ग्रंथि शोथ भी बोला जाता है, बहुत ही बुरी बीमारी है जो कि जनरली 50 इयर्स के बाद होती है पुरुषों में। और वो ढेर इसकी दवाइयां करवाते हैं और तो और ऑपरेशन सर्जरी तक करवा लेते हैं, फिर भी यह बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ती। इसमें होता क्या है, इसमें कई बार व्यक्ति को बूंद बूंद पेशाब जाता है, व्यक्ति बार बार जाता है यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाती है और बार बार मैच्यूरेशन बढ़ जाती है और पेशेंट बार बार पेशाब जाता है, बूंद बूंद उसको पेशाब जाती है, पेशाब जाने में दर्द होता है, जलन होती है, कई बार पेट में भी दर्द होता है और अंदर बहुत ही गंभीर सूजन सी महसूस होती है, भारीपन महसूस होता है, कई बार खट्टी डकारें आने लगती हैं। देखिए, मैंने अभी तक जितने पेशेंट्स देखे, सैकड़ों पेशेंट मैं देख चुका हूं और सैकड़ों को लाभ मिल चुका है, तो मैंने जितने पेशेंट देखे हैं अधिकतर पेशेंट में पाचन की समस्या मुख्य पाई है मैंने। कई पेशेंट में पाचन की समस्या नहीं होती परंतु उन्हें प्रोस्टेट की समस्या होती है और अधिकतर पेशेंट में मैंने एसिडिटी की समस्या भी पाई है जिन्हें प्रोस्टेटाइटिस हुआ है या प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हुआ है या बेनाइन प्रोस्टेटोमेगैली हुई है, तो उनमें मैंने पाया है कि उनमें पाचन की समस्या थी और कई पेशेंट में नहीं भी थी। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत सारी चीजें उपयोग की जाती हैं, चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथी हो, फिर भी यदि सटीक योग नहीं हुआ तो ये चीज पूर्णता नहीं जाती। मैंने सैकड़ों रोगियों में इस दवा का प्रयोग किया जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। इस दवा के प्रयोग से उनकी प्रोस्टेटाइटिस जो है यदि लंबे समय से है तो कुछ ही महीने प्रयोग करने पर पूरी तरह ठीक हो गई और यदि अभी अभी की है तो एक दो माह के प्रयोग से ही पूरी तरह खत्म हो जाती है। साथ ही साथ मूत्र संस्थान के रोग यानी कि पेशाब की रुकावट हो, पेशाब की जलन हो और तो और पथरी हो या दूसरी कोई मूत्र की समस्याएं हो, वो भी ठीक हो जाती है। इस दवा का नाम है प्रोस्टेड PROSTAID प्रोस्टेड, जो कि वैद्यनाथ एक बहुत ही अच्छी फार्मेसी है, एक मोस्ट ट्रस्टेड फार्मेसी है, वह बनाती है और ये दवा मैं अपने रोगियों पर प्रयोग करता हूं। तो ये रही वह दवा प्रोस्टेड फ्रॉम वैद्यनाथ, इसका प्रयोग मैं करता हूं। ये दो दो गोली सुबह शाम रात मैं एक कप गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर सेवन कराता हूं और उसके बाद दो चम्मच चंदनासव और दो चम्मच अश्वगंधा रिष्ट यदि पेशेंट सेवन कर सकता ले सकता है तो अच्छी बात है, नहीं ले सकता तो केवल यह गोली ले ले तो भी उसको लाभ मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं सुबह शाम रात इसका प्रयोग कराता हूं खाने के एक घंटे पहले एक कप गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर, तो पेशेंट की प्रोस्टेट की जो समस्या है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्यूरेशन है, जो टपके पड़ना है, जो पेशाब की जगह पर जलन होना है, दर्द होना है, उसमें पहले ही माह में 20-25% और 30-35% तक आराम मिल जाता है, बशर्ते खान पीन अच्छा रखें, मिर्च मसाला खटाई ज्यादा तेल की चीजें, मटर बैगन सेमी भिंडी ज्यादा, मांसाहार ज्यादा, ठंडी चीजें ज्यादा, मिठाई का सेवन यदि प्रयोग नहीं करते हैं, यदि सेवन नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा लाभ मिलता है इसका प्रयोग करने पर। तो दोस्तों, इसमें मिला क्या क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, तो इसके इंग्रेडिएंट्स इन्हें दिए हुए हैं। इसमें शिलाजीत मिला हुआ है एक गोली में, शिलाजीत 80 mg है, गोखरू 20 पाउडर 80 mg है। शिलाजीत क्या करता है, शिलाजीत जो है आपकी बार बार पेशाब जाने की समस्या को रोक देता है, स्तंभन करता है। गोखरू बीज है, गोखरू बीज क्या करता है कि सूजन अंदर अंदरूनी सूजन जो है यूरिनरी सिस्टम की, यूरिनरी ट्रैक्ट की जो अंदरूनी सूजन है उसको घटा के जो पेशाब है, पेशाब एक ही बार में या दो बार में सम्यक प्रकार से निकल सके, उसका मतलब बार बार नहीं जाना पड़ता, एक ही बार में टपके ना पड़े और पूरी तरह पेशाब निकल सके, उसके लिए यह वरदान है तथा गोखरू बीज के पाउडर का प्रयोग जो है
पथरी को नष्ट करने के लिए भी किया जाता है। इसलिए मूत्र संस्थान के और भी जो रोग हों उनमें इस बड्डी का प्रयोग आप कर सकते हैं, प्रोस्टेट का प्रयोग कर सकते हैं। फिर करण जिसमें मिलाया गया है, तो करण जो है जंतुघ्न है, बैक्टीरिया नाशक है, बैक्टीरिया के कारण भी यदि दिक्कतें आ रही हो तो वह भी खत्म हो जाती है। फिर शतावर है, शतावर अत्यधिक पित्त बढ़ जाता है तभी प्रोस्टेटाइटिस होती है, मैंने आपको पहले बताया एसिडिटी के कारण। तो शतावर क्या करता है, पाचन को दुरुस्त करता है, साथ ही वहां पर जलन पड़ना, दर्द होना और पेशाब की मात्रा जो है टपके पड़ना उसको दूर करता है। उसके बाद वरुण छाल मिलाया गया है, वरुण छाल जो है पथरी को दूर करता है, वरुण छाल पेशाब की रुकावट को दूर करता है, और चंदन मिलाया जाता है जो वहां पर शीतलता प्रदान करता है जिससे पेशेंट को बहुत राहत मिलाई जाती है। साथ ही साथ भावना दी गई है कुल्थी की, बबूल की और कुमारी या एलोवेरा की, तो इनके रस को मिलाकर इसे कूट के गोली तैयार की गई। तो ओवरऑल दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कि एक कंप्लीट पैकेज है फॉर प्रोस्टेट। यदि आपको प्रोस्टेटाइटिस की बीमारी है तो इसका प्रयोग करिए, और कोई जो दवा है उसका प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, आप पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं, लाखों रुपए से लुटने से आप बच जाएंगे और कुछ ही महीने में इस दवा के प्रयोग से आपकी प्रोस्टेट की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो जो नवीन रोगी है उन्हें तो एक ही महीने में पूरा फायदा मिल जाएगा, और जो बहुत ज्यादा क्रॉनिक पेशेंट हो चुके हैं 5 से 6 महीने इसका प्रयोग करने, दो दो गोली सुबह शाम रात खाने के 1 घंटे पहले गुनगुने पानी में चम्मच शहद मिलाकर, तो आप पूरी तरह इस रोग से मुक्त हो जाएंगे। तो ये गोली होती कैसी है भाभी मैं आपको बता देता हूं। ये पैकेट के अंदर ये एक बॉक्स निकलता है प्रोस्टेट, जिसमें लिखा हुआ है वैद्यनाथ, और इसकी जो कीमत है 160 रुपए की 50 टैबलेट्स हैं, और यह जो गोली है वह ऐसी होती है, देख सकते हैं आप, यह गोली ऐसी होती है। तो ये दो दो गोली सुबह शाम रात गुनगुने पानी में चम्मच शहद मिलाकर आप सेवन कर सकते हैं। अकेले इस गोली का प्रयोग करने से आप पूर्णतः ठीक हो जाएंगे, परंतु यदि आप चंदनाशा 2 चम्मच और अश्वगंधा अरिष्ट 2 चम्मच का भी इसके बाद, इसके खाने के बाद आप पी लेते हैं तो इसका जो गुणधर्म है वो 100 गुना और बढ़ जाएगा। तो यदि आप 5-6 महीने में ठीक होने वाले हैं तो 4 महीने में 3 महीने में ही आपको पूरा लाभ मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं समझता हूं जरूर आप इसका प्रयोग करेंगे, और विश्वास दिलाता हूं इसका प्रयोग करने पर प्रोस्टेटाइटिस की समस्या से आप पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे, और मुझे जरूर बधाई देंगे। मैं ये क्योंकि बहुत सारे फोन आते हैं, लोग ठीक होते हैं मेरे नुस्खों से तो फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, तो अधिकतर आप लोग मुझे बधाई देंगे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि यह जो दवा है ये बहुत अच्छा काम करती है प्रोस्टेटाइटिस के पेशेंट पे, पेशाब की जलन में, पेशाब की सूजन में, पेशाब की जो ग्रंथि है उसकी सूजन में, जगह की सूजन में, जलन में, दर्द में, और भी पथरी की समस्या में भी। तो जरूर इसका प्रयोग करें, पूरी तरह आप स्वस्थ होंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों में ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, फेसबुक में और फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, तथा उन्हें भी सजेस्ट करें कि मेरे वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, तथा उन्हें भी सजेस्ट करें कि वो भी इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस गंभीर बीमारी से मुक्ति मिल सके। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिए, तथा फीडबैक जरूर लिखिए, और किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाना चाहिए यह भी लिखिए, तथा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि उससे मुझे हौसला मिलता है आगे भी अच्छे वीडियो बनाने के। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो आप चूक जाएंगे ऐसे नुस्खों से जो कि मैंने सैकड़ों रोगियों पर प्रयोग किए हैं अपनी दैनिक चिकित्सा में, अपने क्लिनिक में, अपने दवाखाने में, और दवाइयां भी भेजी हैं उन्हें, और उन्हें 100% फायदा मिला है। तो ऐसे सरल सफल रामबाण अचूक नुस्खों को आप मिस कर देंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और घंटी का निशान जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस और वीडियोस की नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके, तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए मेरे वीडियोस को। यदि गंभीर बीमारियों के लिए आप मुझसे दवाइयां बुलवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर यहां मैंने नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा जो मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करिए, अपनी समस्या और लक्षण लिखिए, तथा रिपोर्ट्स भेजिए, नाम नंबर पता लिखिए और मुझे भेज दीजिए, फिर मैं आपको मैसेज करूंगा कॉल करने के लिए, तब कॉल करें, तब मैं आपको बताऊंगा कि कितने माह आपको दवा चलानी है, कैसे दवा चलानी है और उसकी कीमत क्या होगी। और अकाउंट नंबर मैं आपको भेज दूंगा, जिस पर एडवांस पेमेंट करने पर सेकंड डे मैं आपको दवा भेज देता हूं, जो कि 5 से 8 दिन में आपके पास पहुंच जाएगी, उसकी रिसीप्ट भी मैं आपको भेज दूंगा स्पीड पोस्ट की, ताकि आप ट्रैक कर सकें कि किस दिन दवा कहां पहुंची है। कैश ऑन डिलीवरी की मुझसे मांग ना करें, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी सुविधा मेरे इलाके में उपलब्ध नहीं है, मैं कस्बे में प्रैक्टिस करता हूं इसलिए आपको कैश ऑन डिलीवरी नहीं भेज पाऊंगा। तो दोस्तों इसी के साथ आप सफल रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें और सरल रहें। थैंक यू सो मच।